परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है, वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और इसी से आगे ये जितने पंथ पनपे हैं जो सतलोक सचखंड सतपुरुष ने सुना बताने लगे, कबीर साहब और नानक साहब जी की वाणी को पढ़ कर इन्होंने हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए, कख का पता नहीं। तो ये जो पंथ है ये काल के चलाए हुए पंथ हैं। तो धर्मदास जी को और इन सभी महापुरुषों से कहा था कि यदि तुमने इस अभी से डिस्क्लोज कर दिया तो काल के दूत भी यही ज्ञान, ये मूल ज्ञान है जो दास आपको दे रहा है, ये हो मुख्य ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान, सुख संवेद। तो परमात्मा ने कहा था इसी ज्ञान को ये काल के दूत घोट लेंगे, यही मंत्र देने लग जाएंगे, ये अधिकारी हैं नहीं, तो इनसे उपदेश प्राप्त करने वालों को भी कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि अनधिकारी से बनवाया हुआ एक पासपोर्ट भी काम ना करे। एक दूसरे देश में जाने वाला और हमने जाना बहुत दूर, तो ये नकली संत, नकली डुप्लीकेट ये पासपोर्ट बना रहे हैं, झूठे नाम दे रहे हैं। और इस दास से ये प्राप्त करके सभी मंत्र, यदि कोई नकली स्वयं नाम देने लग जाता है तो वो भी महापराधी प्राणी है, भगवान के दरबार में वो अधिकारी है नहीं। अनधिकारी एक लाइसेंस बनवाकर देख लो, ड्राइविंग लाइसेंस, चालक प्रमाण पत्र, वो ही नहीं चले, जब फंसेगा जब पता चलेगा इसको। इसी प्रकार डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवा रखा है और जब हम वहाँ जाएंगे जहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पकड़े जाएंगे, सारा जीवन नाश हो जाएगा। तो उस समय कोई नहीं सुनता, पटक देता तो अंदर, बल्कि दोषी और होता है, उसको सजा मिलती है, दोनों को, बनवाने वाले को और बनाने वाले को। तो पुण्यात्माओं विचार करो, दास क्या कहना चाह रहा है आपको, किस लिए सतर्क करा है, एक एक पहलू पर 6-6 प्रकार के प्रमाण दे करके आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप चेतो, जागो और सतलोक चलो जहाँ सदा सुखी रहोगे। यहाँ तो आज से सारी सुविधा आपके पास, कार भी है, कोठी भी है, को मिनिस्टर बना है, मंत्री बना, प्रधानमंत्री बना, और कल मृत्यु हो जाए, भविष्य की तो जरा चिंता नहीं हमारे को, हम तो इस संसार के इस भूल भुलैया को ही सब कुछ मान बैठे। तो इस अज्ञान को हटाने के लिए सत्संग की और सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। और सौभाग्य आपका कि आपको ये दोनों ही प्राप्त हुए, सतगुरु भी मिल गए, सतगुरु मिल गए तो फिर सत्व ज्ञान और सत्य ज्ञान और सतनाम और सारा नाम सारा ही मिलेगा। तो कहने का भाव ये है दास का कि झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वाह, वह सिखा का गलपड़ी कौन छुटावेता। ऐसे ही एक सिख भक्त को, मतलब तो भक्त यहाँ का हो गया, वैसे सिख का तो वैसे शेष होता है, उसे ये मैं ये वाणी सुनाई हमारे साथ मिल, जब थोड़ी सी संगत थी और पास पास बैठा करते थे, तो मैंने कहा झांकी वे कबीर की नानक कीती वाह, वह सिखा का गलपड़ी अब कौन छुटावेता। तो वो कहते जी साड़ी तो छुट गई, कि वह साड़ी तो वह छुट गई, अब हमें यथार्थ ज्ञान हो गया, हम असली सिख बन गए। तो दास यही प्रार्थना करता, असली सिख बनो, असली हिंदू बनो, असली मुसलमान और आप ईसाई बनो, क्योंकि असली का अर्थ होता है शास्त्रों में जो लिखे हमारे ग्रंथ हैं, प्रमाण हैं, उसके अनुकूल जो हम साधना करेंगे, उसी के अनुकूल हम ज्ञान ग्रहण करेंगे, तब हम असली बनेंगे। फिर चाहे हिंदू हो कहो अपने आप को, चाहे मुसलमान कहो, सिख कहो, चाहे ईसाई कहो, क्योंकि धर्म के सभी नियम इकट्ठे हैं और सबकी एक ही जैसे हैं, कोई अंतर नहीं हो सकता धर्म के लिए। उसका नाम भले ही कुछ भी रख लो, जैसे कई टेबलेट होती हैं गोलियां, उनमें साल्ट वही होता है, नाम कंपनियों का बेशक न्यारा न्यारा हो वो सेम लाभ देंगी। जब नाम भी अलग हो और उसके साल्ट भी अलग हो तो वो सभी साल्ट उसमें काम नहीं कर सकते, जिस रोग के लिए वो एक साल्ट निर्धारित है।
वही हो तो वो काम करेगी। इसी प्रकार ये समझो। तो प्रश्न चल रहा है कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने क्या प्रमाण दिए, और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, और जब ये दोनों मेल खा जाएंगे, ये मेल दोनों ही एक स्थान पर आकर रुक जाएंगे, तो फिर हम भगवान को पहचानने में कोई गलती नहीं करेंगे, बड़ी आसानी से हम परमात्मा को पहचान लेंगे। इसलिए ये सारे कुछ प्रमाण दिए जा रहे हैं। अब प्रसंग जो चल रहा था कि झांकी वे कबीर की, अब शुक्र है परमात्मा ने दया करी कि जन्म साखी के अंदर ये थोड़ा सा प्रमाण मिल गया, एक ही दो पंक्तियों में लिखा है, तो आज सिख समाज के ऊपर ये उपकार होगा, एक बड़ा बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा ये जो बाईबाला वाली जन्म साखी, इसको ये समझेंगे और पहचानेंगे। जब नानक साहब जी नाम जाप कर रहे थे और जन्म साखी को तो प्रत्येक बच्चा बच्चा परिचित है कि एक नंबर की और अथेंटिक ग्रंथ है सिखों का, और फिर गुरु ग्रंथ साहिब तो है ही, वो तो वाणी है उनकी अपनी महापुरुषों की, लेकिन ये भी कम मायने नहीं रखता उनकी दृष्टि में। और तीसरी प्राण संगली के अंदर जो गुरु नानक देव जी की वाणी सिलेक्ट गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं आई, तो ये भी एक इनकम्प्लीशन बता रही है कि गुरु नानक देव जी की सारी वाणी नहीं संग्रह हो चुकी, कंप्लीट ज्ञान था उनके पास, जैसे गरीबदास साहिब जी के पास था। तो उसमें से जैसे प्राण संगली अलग बना दी, उसमें से भी कुछ इसमें लिखा है भूमिका के अंदर प्राण संगली हिंदी वाली में, और पंजाबी में जो पटियाला यूनिवर्सिटी से जो निकलती है वहाँ से, उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि उसमें 160 अध्याय थे और केवल 80 ही उसमें प्रमाण में लिए गए, 120 ही लिए गए हैं, तो 40 अध्याय रह गए जिनके अंदर ये सतनाम दो अक्षर का विशेष डिटेल के साथ था। तो उन महापुरुषों ने जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का कलेक्शन, ये गुरु ग्रंथ साहिब की जो बीड बांधी है, जिल्द बनाई है, इकट्ठी करी से वाणी, तो उसमें कुछ नोवे इस दृष्टिकोण से भी छोड़ दिया कि इसमें वो सतनाम के जाप का विशेष विवरण है, श्वासों वाले जाप का, प्राण संगली इसलिए कहते हैं, इसलिए छोड़ दिया कि कहीं कोई सिख समाज का व्यक्ति उस सतनाम के जाप ने करना ले, गुरु ग्रंथ साहब में लिख दिया था, और इनको मर्दाना की तरह हानि हो जाएगी, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन होने से वो पाप के भागी बनेंगे, इस दृष्टिकोण से हटा दिया। लेकिन मालिक के खेल न कौन समझा, अब यहाँ ऐसा प्रमाण दे दिया गाटर के सा, इसके अंदर जन्म साखी के अंदर समुद्र की साखी में कि गुरु नानक देव जी ये नाम जपया करते थे और यही सतनाम है, इसी से मोक्ष होगा। तो कहने का भाव ये है कि अब गरीबदास जी कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। जिन भी महापुरुषों को परमेश्वर मिले उन्होंने उनका बाई ने महिमा की है, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजन हारे, सुन सुन साख कबीर की यो कालम नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। इसी प्रकार नानक साहिब जी ने कहा है, फाई सूरत मलोक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाणा भोता बार ये धानक रूप रहा करता। प्रश्न नंबर 24 गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 24 पे अंकित है, पूरा शब्द है ये, और 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर क्रीम तू बेऐब परवरदिगार। ओए होए, एक अर्ज पेश तोदर, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर, आपके चरणों में मेरी एक अरदास है भगवान, ये कून करतार, कून करतार माने शब्द स्वरूपी राम, सबके रचने वाले, करतार माने सबके सृष्टि, सृष्टि के रच करने वाले, रचने वाले,
हक्का कबीर, हक्का माने सत्य, अविनाशी, सच्चा, सत्य कबीर, सच्चा कबीर, हक्का कबीर, करीम तू, करीम माने दयालु, बेऐब परवरदिगार, आप बेऐब माने निर्विकार, परवरदिगार माने सबके, सबका हित चाहने वाले आप हो कबीर साहेब। स्पष्ट नाम लिखा, और भी बहुत जगह 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, थिल आवे तिन जावे, खिन आवे तिन जावे, जाकी संगत नानक रिंदा कैसे मोड़ा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, अगर छोटी जात का तुम कहते वो मेरा, वो परदेसी है, वो मेरा मालिक और उसका संग है मेरा, वो एक सेकंड में यहाँ बैठा है, दूसरी सेकंड में वो सचखंड में, तो परमात्मा भी कहते हैं छिन पहुँचूंगा छिन एक में जन अपने के काज, अरण्य से पूजो मार दो नरसिंह दलो साज। अब और भी सभी महापुरुषों ने, तो इसी प्रकार दास आपको कहाँ लाना चाहता है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 पर हम फिर आते हैं कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा स वेदवित व तत्वदर्शी संत है, वो सतगुरु है। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का जठरग्नि प्रतपाले। अब क्या बताया है कि सतगुरु आए, इस सतगुरु शब्द को आपके हृदय में जचाने के लिए, समाने के लिए कि सतगुरु किसे कहते, आज के सत्संग का विषय है। और जब तक सतगुरु समझ में नहीं आओगा तो नकली भी सतगुरु, जब आपको ओरिजिनल वस्तु का ज्ञान होगा तो उसके साथ जब डुप्लीकेट को देखोगे तो तुरंत देख लोगे आपके सार, आपको सारी क्वालिटी का पता होगा, तो रिजेक्ट कर दोगे, नहीं ये सतगुरु नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा घोटाला दास ने देखा है इस अध्यात्म मार्ग में, 100% घोटाला, 100% वो तेरा गजब हुई है, इतना अनमोल काम, इतना अनमोल जीवन, ये क्षतिपूर्ति तो कभी नहीं हो सकती जो आपके साथ हो रहा धोखा, ये नकली संत और ये गुरु आचार्य और शंकराचार्य स्वामी, ये बठा बठारे काजी मुल्ला और ये पंडित, तो पुण्यात्माओं इतना इतना तो कितना भी गोलमाल ना देखा दास ने किसी भी क्षेत्र में। और सबसे मूल काम जीव का यही है मनुष्य का, ऋषि को इन्होंने बठा बठा दिया। तो अब समझ लो, और कोई बड़ी बात नहीं, वो भी भगवान के बच्चे हैं, काल से मिसगाइडेड हैं वो संत महापुरुष, वो भी भगवान के बच्चे हैं। दास की उनसे भी प्रार्थना है कि आप पुनर्विचार करो, और दास जो इतना संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ रहा है परमात्मा के सहयोग से, आप सभी के लिए परोपकार कर रहा है, अपना कोई स्वार्थ नहीं, केवल परमार्थ के लिए कदम रखा है। आखिरी सांस तक ये सच कहता ही रहूँगा क्योंकि इससे ही आपका कल्याण होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि दास आपको वहाँ लाना चाहता है कि सतगुरु किसे कहते हैं, सतगुरु आए दया करी, कौन, गरीबदास साहिब जी की वाणी है या कि सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृद्धदास का जठ अग्नि प्रतपाल। इसमें कमाल कर दिया, इतने गुड वर्ड हैं ये, गरीबदास साहिब जी को जो ज्ञान दिया है कि सतगुरु आए, सतगुरु वो परमात्मा आए स्वयं, एक सतगुरु का रूप बना, सतगुरु कहलाए, सतगुरु जो यथार्थ ज्ञान मार्गदर्शन करने वाला आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान देता है वो सतगुरु होता है। ऐसे दीनदयाल, हमने ऐसी गलती की और हम फिर भी आके हमें संभाल लिया, और बंदी छोड़ वृद्धदास का, वृद्ध माने उसका स्वभाव, उसका गुण है, बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ माने अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है और हमारा स्थान ऊपर है, ऊपर, जैसे स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले और तब उनसे वार्ता हुई कि
उन्होंने खुद बताया कि हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। फिर कहते स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब, गरीबदास जी बता रहे परमात्मा और स्वामी रामानंद जी की वार्ता को अपनी वाणी में परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करे। दास गरीब अधर बसूं, अधर माने ऊपर, अधर में, और अवगत सत कबीर मैं ऊपर रहता हूँ। तो यहाँ परमात्मा ने स्वयं आए, सतगुरु आए, दया करी ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृत्तास का जठग्नि प्रतपाल, बंदी छोड़ को डिफाइन किया फिर गरीबदास साहिब जी ने, कि कबीर साहब ने अपने आप को बंदी छोड़ कहा कि अमर करूँ, जन्म मरण का रोग सदा के लिए समाप्त कर दूंगा, उस सतलोक में ले जाऊंगा तुम्हें, अमर करूँ सतलोक पठाऊँ, सतलोक भेज दूंगा, अर्ताते बंदी छोड़ कहाऊँ, बंदी छोड़ हमारा नामम, और हमारा जो स्थान है अजर अमर है अस्थिर ठामम, अजर अमर, अजर माने वहाँ बुढ़ापा नहीं आता, अमर वहाँ कभी मृत्यु नहीं होती, वो हमारा स्थिर अचल यानी वो सदा रहने वाला शाश्वत स्थान हमारा, वो वहाँ हमारी राजधानी है, वो हमारा लोक है, आपको वहाँ ले चलूँगा, इसलिए मैं बंदी छोड़ कर आता हूँ। तो गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु आए। अब जैसे स्वामी जी रामानंद जी को सारा कुछ ज्ञान समझाया, फिर वह थोड़ी सी अकड़ और रहेगी उसके मन में, कहा कि मेरी समाधि लगती है, मुझे प्रकाश दिखाई देता है, मुझे धुने सुनती हैं। तब मालिक ने कहा 5 वर्ष की आयु में खड़े सामने एक धानक के बालक ने, यानी संसारिक दृष्टि से लोग धानक समझते थे, जुलाहा समझते थे, वो परमात्मा आए थे, क्योंकि वो स्वयं भी कहते हैं हम अवगत से चल आए भाई, हमारा कोई भेद मरम नहीं पाया। फिर कहते हैं मात पिता मेरे कोई ना ही, ना मेरे गरदासी, अर्जुल है का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी। मैं जुल्हा के ने मुझे उठा लिया, उसको मैं मिला, और इसके घर रहने से मैं जुल्हा कहलाता हूँ, जुल्हा का पुत्र कहलाता हूँ, इसलिए संसार मेरी मजाक उड़ा रहा है, तो मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, तारण तरण अभय दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। तो यहाँ रामानंद जी से परमात्मा ने गोष्ठी की, रामानंद जी ने कहा जी मैं अंदर समाधिस्थ होता हूँ, जो परमात्मा ने कहा कि समाधिस्थ होइए। अब समाधिस्थ हो क्या, कहाँ जाके त्रिवेणी कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर, और जित्या सकल शरीर वो त्रिवेणी के घाट पर अटक रहे बलवीर। आगे जाके 3 रास्ते हो जाते हैं, और सामने वाला रास्ता है ऊपर जाने को, तो सामने वाले रास्ते को काल ने ब्लॉक कर रखा है, इनके यहाँ के किसी मंत्र से भी नहीं खुल सकता, ओम से भी नहीं खुल सकता, इसलिए तत् मंत्र की आवश्यकता है इसके साथ, इस सामने वाले रास्ते को खोलने के लिए। ब्रह्मरंध्र का घाट है, कहते हैं ब्रह्मरंध्र के घाट को खोल नहीं सकता एक, और द्वारे से फिर जाते हैं उसे बहुत अनेक, वहाँ से धक्के खा के उल्टे आ जाते हैं, और उसको अपनी अंतिम उपलब्धि मान लेते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि ये 3 रास्ते हो गए, अब कहाँ जाओगे? अग्नि पता नहीं, बस ये पता तुझे मरने के बाद लगेगा, मृत्यु के उपरांत आप जाओगे इस रास्ते, इस मार्ग पे, इस मार्ग में आगे चल के सबसे पहले धर्मराज का लोक मिलेगा, वहाँ आपका अकाउंट होगा, और वहाँ से आप जिस भी इष्ट की उपासना कर रखी है उस लोक में आपको भेज दिया जाएगा। आप विष्णु जी को इष्ट रूप में पूज रहे हो, आपको विष्णु लोक में जाओगे, और वहाँ अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर 84 लाख में फिर आओगे। इन बातों से तो स्वामी जी परिचित भी थे। फिर बताया कि सामने वाला जो मंत्र है, ये ब्रह्मरंध्र का द्वार है, इसने खोल के दिखाओ, किसी भी मंत्र से, किसी योग से, साधना से, सारे कुछ कर लिया लेकिन नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा कि मैं खोलूं इसको, खोलो जी। तो परमात्मा ने कहा कि मैं सतनाम का जाप करूंगा श्वास से, और ये तुम्हारा ये गेट खुलेगा ब्रह्मरंध्र वाला। तो सतनाम का जाप मालिक ने, वो तो लीला थी, वैसे भी खोल सकते थे लेकिन हमारे लिए हथियार बताया है, तो तुरंत वो कपाट खुल गए, सतगुरु खोल ले बज्र कपाटा, बज्र के कवाट खुल गए एकदम फटाक देसी। तो परमात्मा रामानंद जी को लेकर गए ऊपर,
काल दिखाया, इस ब्रह्मांड के अंदर उसकी सती थी, तीन स्थान दिखाए, जहाँ रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, जहाँ तमोगुण प्रधान अक्षेत्र, जहाँ सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है, जहाँ पर ये तीन पुत्रों को उत्पन्न करता है। फिर ऊपर तपतशिला दिखाकर, फिर जो ग्यारहवा द्वार पार किया, दस ग्यारहवा द्वार प्रवेश होता है इस सात संघ ब्रह्मांड जो है अक्षर पुरुष का, उसमें प्रवेश होते हैं। और वो सतनाम का जो दूसरा मंत्र है तत्, उसकी शक्ति से, उसकी कमाई से उसमें प्रवेश किया जाता है। फिर बारहवा द्वार है जो अक्षर पुरुष के लोक की सीमा को पार करके भौर गुफा में प्रवेश करते हैं, तो भौर गुफा से आगे सतलोक आ जाता है। भौर गुफा तो वैसे प्रत्येक ही लोक में जाने के लिए वो आती है, प्रत्येक की वो अपने अपने डोडी सभी की लग बनी हुई हैं। तो फिर सत बारहवा द्वार पार करके सतलोक आता है। अभी तक ये को दसवां शोर मचा रखा था, एक जम्मू में रांझड़ी के अंदर मधु परमंश को कख पता नहीं, उसने गलती से एक गर्मी खिड़की पढ़ ली कबीर साहब ने, कबीर साहब के ग्रंथ साहब में, कबीर सागर में, छाती कुटे गर्मा द्वार पा गया, किसी को नहीं ब्रह्मांड में पता गर्मा द्वार पा गया। वो तो उसने तो वो पा गया जैसे हंसी मैं लिखा बोर्ड के बरुवाला हग अगला ना पढ़ा 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर। तो वही बात है कि कबीर साहब की वाणी में बारहवा द्वार बताया है, द्वादश दर मत बस है मोरा बालुम ताहवा ध्यान लगाओ हो। गरीबदास जी ने कहा है कि असंग जन्म तरह मरत्या हो गए जीवित क्यों नाम रह रे, और द्वादश दर मत महल मठ बोरे बहुर ना दे रह रे। वो बारहवा द्वार पार करके उस स्थान है जहाँ पुनः जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार जब रामानंद जी को ऊपर ले गए और सिंहासन पर एक गुंबज के अंदर बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सफ़ेद सफ़ेद मालिक के सिर पे मुकुट है और ऊपर सफ़ेद ही छत्र है, और मालिक के मुकुट से बहुत गजब की बहुत ही अच्छी एक प्रकाश और चमक अजीब और गरीब है। तो वहाँ जाकर रामानंद जी ने देखा कि सचमुच भगवान तो ये है। तो कबीर साहब चवर करने लगे उस परमात्मा के ऊपर, नीचे से बालक रूप में गए थे। थोड़ी सी देर में वो सिंहासन पर विराजमान परमात्मा खड़े हुए, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतना नूर है उस मालिक की रोशनी का, वो भी फीकी पड़े करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी एक रोम की, इतनी शोभादाता की। वो खड़े हुए और कबीर साहब बैठ गए उस सिंहासन पर, असंग ब्रह्मांड के सिंहासन पर 5 वर्ष का बालक विराजमान हो गया। रामानंद जी की बुद्धि चक्कर काट गई कि ये दुल्हे का बालक और ये परमात्मा दिखे सामने खड़ा, ये तो अंडरस्टूड हो गया भी यहाँ करके। और इस पर बालक बैठ गया भगवान के सिंहासन पर और भगवान ने आसन छोड़ दिया। इतने में क्या देखा कि वो चौर करने लग गया, जो मालिक बैठे थे असंग ब्रह्मांड के स्वामी और 5 वर्ष का बालक सिंहासन पर तख्त पर बैठा, उस पर चौर करने लगे। अब रामानंद जी का सिर घूम रहा था कि ये हो क्या रहा है। इतने में क्या हुआ, वो ये सोच रहा था इनमें भगवान कौन सा है, तेजोमय शरीर जो वाला भगवान था वो 5 वर्ष के बालक जो सिंहासन पर बैठा था उसमें समा गए, और वहाँ उस उतनी ही तेज उस मालिक के 5 वर्ष के बालक के उस शरीर की होगी, एक एक रोमकूप इतना तेजों में हो गया और चवर अपने आप घूम रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि रामानंद अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार, गरीबदास जी ने कहा। तो परमेश्वर ने कहा कि आप अभी भ्रम में थे बच्चा, और जाओ इबनीचे अपना। अब स्वामी जी जो ही वापस आए, और परमात्मा ने वहाँ कहा था कि सतनाम से मोक्ष होगा, इस ओम के नाम तो नहीं, तुम ओम नाम पर घाटा जोड़ रहे हो, तुमने तो बरवा हाँसी तल देख लिया 35 किलोमीटर 35 ना पड्डा बरवाला जुड़े बैठे के झोला टेक के ये बरवाला आ गया। तब उन्हें नीचे छोड़ दिया, नीचे छोड़े था एकदम समाधि टूटी, शरीर से बाहर होश में आया। समाधि क्या चीज़ है, अंदर हमारे नज़ारे बने हुए इस
इस बॉडी के अंदर चैनल लगे हैं जिसको कमल कहते हैं, कमल चक्कर कहते हैं। एक सबसे नीचे गणेश जी का चक्र है, रीढ़ की हड्डी है ये भी, बैकबोन बोलना जिसने, इसके एंड में जहाँ गुदा के पास ये समाप्त होती है उससे दो उंगल ऊपर गणेश जी का एक चक्र है, कमल जैसी पंखड़ियाँ की एक आंतड़ी सी बनी हुई है। और उसको जब इस प्रथम मंत्र में आपको दिए जाते हैं, इन सभी कमलों को ऑन, ये चैनल ऑन करने के लिए मंत्र दिए जाते हैं, क्योंकि अब आपके सब के भक्तिहीन हो और ये सभी कमल पिचके पड़े हैं, जैसे गाय भैंस के दूध ना हो सतन में, जिन जो भैंस का दूध ना हो यानी ना बच्चा उत्पन्न हुआ हो और दूध छूट नहीं आ रहा हो, तो उस समय उसके थन ऐसे लटके रहते हैं सतन, और जब वो नए सिरे से बच्चा पैदा करती है फिर वो भर जाते हैं ऐसे, बिल्कुल जब दूध आता है फूल जाते हैं। इसी प्रकार आपकी जो भक्ति स्टार्ट होगी, इस भक्ति से आपके फिर ये सभी कमल खिलने शुरू होंगे। अब तो ये न्यू मुरझा रहे, फिर ये धीरे धीरे ऐसे कर लेंगे इस मंत्र की भक्ति से। तो जो ये जो महापुरुष ऋषि महर्षि हुए क्या किया करते थे, साधना करा करते अठ योग कर करके। तो अठ योग भक्ति कौन करेगा, आपको बताया कि जो पूर्व जन्म के संस्कारी होंगे वे भक्ति पर लग रहे हैं बेचारे, संघर्ष कर रहे हैं, चाहे उनको कहीं जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, घर भी त्यागना पड़े, वो तैयार हैं करने को, लेकिन रास्ता ना मिलने से वो सब सेक्रीफाइस भी व्यर्थ होता है, वह कुर्बानी भी गलत सिद्ध हुई उनकी। तो उन्होंने ये करती रहते, तो उन गलती से उनकी समाधि लग गई, किसी भी कमल में पहुंच गई, मूल कमल में गणेश जी, उससे दो उंगल ऊपर है सावित्री और ब्रह्मा जी का जो स्वाद चक्र है, फिर नाभि जो सुंडी है, नाभि इसके पीछे रीढ़ की हड्डी पर नाभि कमल है, यह दोनों सतनों के बीच में यहाँ पर, यहाँ हृदय कमल है, तो नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का चैनल है, जो उसके लोक में जो कार्य हो रहे हैं इस बॉडी के अंदर सबको सब देख सकते हैं, जिनके ये चैनल ऑन हो गए, वर्किंग में आ गए। अभी तो सब ये कंडम हुए पड़े हैं, कनेक्शन है नहीं आपके पास, ही चल लेंगे क्यों करें। तो अब फिर कंठ कमल है, ये कंठ कमल, ये कंठ कमल इसके यहाँ नहीं, यहाँ पर जाए थोड़ी सी बैंड होती है, तो यहाँ पर इस दुर्गा जी का अष्टंगी का माया का लोक वो कमल है, और फिर आगे त्रिकुटी, त्रिकुटी यहाँ वैसे बताई जाती, यहाँ नहीं होती, यहीं बैक साइड में एक सीधा ऊपर से आ रहा है, फिर यहाँ सहस्रार कमल है, यहाँ पर जहाँ हिंदू चोटी रखा करते वो सहस्रार कमल की पहचान थी। तो कहने का भाव ये है कि ये चैनल लगे और गलती से वो ऋषि किसी चैनल में प्रवेश कर गया पिछले, और उसमें क्या नज़ारे हैं, जैसे कि तर अप्सराएं नाच रही हैं, कहीं पर झरने बह रहे हैं, कहीं पर कोई झांकी निकल रही है किसी उस देव की, कहीं कुछ हो रहा, तो वो समाधि तभी टका है ये मन, इसने यहाँ से कोई अलग वस्तु अच्छी दिख जाए वो वहाँ कुछ देर टिक जाता है। तो हम सोचा करते समाधि ला रहे हैं ये, अरे ये डोहे थे डले डिम्ब करें डोंगर चढ़ाएं, ये अंतर जिनी जोल अर जग जाने भक्ति करें, ये बोवें सोल बबूल। तो समाधि जैसे आप 3 घंटे उसमें जाते हो, फिल्म में जाया करते थे, अब तो नहीं जाना है ना हम जाते हैं, तो 3 घंटे का पता नहीं चला था कि उसमें एक तो एक बकवाद देखने मिल रही थी, तो मन तो वहीं टकेगा जहाँ इसने बकवाद पाऊंगी। आप कहीं बस स्टैंड पर खड़े हो बस की इंतज़ार में, कभी बैठेगा और फिर उठ कर देखेगा कोई आई बस, यानी 2 मिनट नहीं टकने दे आदमी ने, और वो हजारों वर्ष बैठ गए किस लिए कि अंदर वो बकवाद देखा करते। तो ऐसे ही रामानंद जी समाधिस्थ होकर बकवाद देखा करता, जब वो नीचे आया और सामने वो परमात्मा फिर 5 वर्ष की आयु का सामने बैठा पाया, हाथ जोड़कर और चरणों में गिर के कहते हैं, तब क्या कहा कि बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, नहीं तो धाना कर जुलाहा छोटी नीच मेरे से दूर हो जा, दूर खड़ा कर रखा था पर्दा ला के। और फिर कहते हैं कि बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सर्जनार, दोहु ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारण आए हो स्मग दो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। अब दास आपको ये समझाना चाहता था कि सतगुरु आए दया करी,
ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठग्नी प्रतपाल। तो यहाँ रामानंद जी भी कह रहे कि तुम साहेब, तुम परमात्मा ही भी तुम ही हो, और तुम साहेब तुम संत हो, जो संत के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए वो आप हो। तुम सतगुरु, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, सच्चे गुरु भी आप ही हो। एक हंस यानी एक भक्त, हंस कौन होता है, पक्षी होता है, जो उसमें क्वालिटी होती है दूध और पानी को अलग अलग कर देगा चोंच डबोती। तो आप हंस भी आप ही हो, जिसने दूध और पानी छान लिया, भिन्न भिन्न कर लिया सच्चाई, सच्चा ज्ञान क्या है और गलत ज्ञान क्या है। दूसरा हंस की क्वालिटी होती है वो बुगले जैसा होता है, और वो किस एक ही स्रोत पर दोनों होते हैं। बुगले की पहचान है वो मच्छी मेंढक कुछ भी मिल जाए वही खा जाएगा, लेकिन हंस अड़ंगा नहीं खाता, मोती ही खाता है। तो इसी प्रकार हंस का मतलब है ये संसार के जो राजनीति, यहाँ के जो पद, इसके लिए सारा जीवन खो देना, ये माया जोड़ना, ये तो है एक बुगले का काम, और हंस का काम है इनसे हटकर राम नाम के मोती खाओ, तो हंस कहलाता है। तो यहाँ बताया है कि तुम साहेब तुम संत हो, साहेब माने भगवान, और तुम सतगुरु तुम हंस, सतगुरु भी आप ही हो क्योंकि सच्चा ज्ञान आपके पास है। तुम्हें माता चाहे पिता तो वो गुण है, और ये भी गुण आपके अंदर ही है। और गरीब दास तेरे तेरे आप बिना परमात्मा और न दूजा अंश। तो यहाँ दास को समझाना चाहता है कि ये सतगुरु, तो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक पर फिर आते हैं कि सभी उल्टे लटके संसार की वृक्ष सभी सभी विभाग बता देगा सवेदमित, और सतगुरु परमात्मा ही हो सकता है, और सतगुरु हो ही नहीं सकता, परमात्मा बिना सच्चा ज्ञान देगा कौन। पर पिता के बिना अपने बच्चे अपने पिता की सारी जन्म जीवन शैली को कैसे बता सकते हैं, वो खुद ही बतावे और लिख दे तब आगे हम बता सकें। तो परमात्मा स्वयं ही सतगुरु ही बनकर आते, और ये वेद बताते हैं कि परमात्मा ऊपर के लोक में बैठा है, वहाँ से सिंहासन की पर बैठा है, राजा की तरह देखने वहाँ से चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और सच्चा ज्ञान देता है उनको, वो सतगुरु। तो यहाँ क्या बताया, सतगुरु रूप माए परमात्मा ने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सचिदानंद घन जो अपनी मुख कमल से वाणी बोलते हैं, अक्सर पुरुष एक पेड़ है सर पुरुष वा की डारे, और तीनों देवा शाखा हूँ ये पात रूप संसारे। उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सुख संवेद में अपने मुख से बोला है कि अक्सर पुरुष एक पेड़ है, जमीन से बाहर जो दिखाई देता उसको पेड़ बोलते हैं, और जड़ गुप्त हैं वो नहीं बताई, वो दास बताने आया है उसकी, उस परमात्मा का भेजा उसका दास कि वो कबीर इज गॉड, जो मूल रूप भगवान है सबका मालिक। तो यहाँ परमात्मा ने गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष से सभी भाग बता देगा वो है तत्वदर्शी संत, वो सतगुरु है। तो उस परमेश्वर ने आके बताया अक्सर पुरुष एक पेड़ है सर पुरुष वाकी डार निरंजन, जिसको ज्योत निरंजन कहते, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात्र रूप संसार, विभाग बता दिए सारे। तो ये सतगुरु की पहचान है। तो कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटना तुम्हारे तीनों तापम, तुम जिन भगवानों की भक्ति करते उनसे तुम्हारे तीन ताप भी नाश नहीं हो सकते, भूत प्रेत भी नहीं भाग सकते, और तुम मोक्ष तक सौ कोस की बातें, और सतगुरु मिले सर्व सुख होई। अब सतगुरु मिलेंगे सब सुख होंगे। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं, परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले, पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे, और परमात्मा ने आज उनको हाथों पर रख लिया। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, और कभू ना हो काज राम रंग होरी हो। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरे जगतार ही, आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे, आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है, लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे, जिसको ज्ञान नहीं है भटक रहे हैं उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से,
किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे उसको एक बार तो कड़वा लगेगा, आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूँ पूरे विश्व का। तो गोरखनाथ जी कह रहे थे आपका तुम्हारा वचन मोए लग गए कड़ुआ, आप जो कह रहे हो ना अपने आप को मैं सबका मार्गदर्शक हूँ गुरु हूँ, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तब परमेश्वर ने कहा था कि कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजा जोई, हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको कड़वा लग रहा है एक दिन मीठा होगा। तो पुण्यात्माओं आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों पूरे विश्व के सभी हम एक वहाँ तक पहुँचाओ, जन जन तक पहुँचाओ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं। इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाओ, यहाँ आश्रम से प्रचार की सामग्री ले जाओ और कोशिश करो सब तक पहुंचाने की। आपको एक और विशेष उपकार होगा, आत्म प्राण उद्धार ही, ऐसा धर्म नहीं और। एक जीव को काल के उस पाड़े ते छुटवा के सतलोक आश्रम में जोड़ने का इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गऊओं को कसाई से बचाने का एक पुण्य होता है। तो आपको इतना पुण्य होगा, आप भी प्रचार करो और प्यार से करो, किसी का संघर्ष नहीं करे, कोई आपको बुरा भी बोला आपका भाई बहन समझ गए कि इसको पता नहीं है तो उसके साथ विरोध नहीं करे, आगे चल पड़े, जिसको सुहा उसको ज्ञान समझाए और यहाँ से पुस्तकें लेकर वो बांटो और सबका कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमात्मा जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं इस पवित्र स्थल पर पहुंच पाए और सत्संग के अंदर आने से इस भूले हुए प्राणी को वो यथार्थ उद्देश्य जीने का जो वास्तविक टारगेट है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसका ज्ञान होता है। परमात्मा कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबारे, भूली वस्तु लखा वही ही है सतगुरु दातार। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार और वो भूली वस्तु याद दिलावें है सतगुरु दातार। जब तक हमने ये तत्व ज्ञान नहीं सुना था, हम आम संसार के ही तरह उन्हीं को देखा देखी, माया का संग्रह करना उद्देश्य था, बहुत ज़्यादा धनवान बन जाऊं ये टारगेट था और बनना बनाना वही था जो मस्तिष्क में लिखा हुआ है। और धनी बनने के उद्देश्य से ना जाने कितने उल्टे सुलटे काम किया करते थे, माया उतनी ही मिलनी थी जितनी भाग्य में पूर्व जन्म में हमने कोई शुभ संस्कार कोई शुभ कर्म किए थे उनके आधार से ही आपको सब कुछ मिलना था, उसको प्रारब्ध कहते हैं। मिलना था आपको प्रारब्ध, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति धनी बनने की चेष्टा में ना जाने कितने गलतियां कर बैठता है, इधर उधर से कोई पैसा इकट्ठा भी कर लेता है
कोई रिश्वत लेकर मिलावट करके किसी से छल कपट करके, तो वो पैसा तो रहेगा नहीं, क्योंकि वो आपकी किस्मत में नहीं है। उसके कारण आपको वो पाप जो इकट्ठे किए, उस धन को संग्रह करने में, संचित करने में, वो आपके पास परमानेंट रह जाएंगे और वो धन, वो माया, वो संपत्ति नहीं रहेगी। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम इसी भाग दौड़ के अंदर मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते थे और मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य था उससे वंचित रह जाते थे। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं जो हमारे को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन हमें सत्संग में आए बिना, जब तक हम सत्संग में नहीं पहुंचते तो हमारे हृदय में वो चोट नहीं लगती जिससे हम सतर्क हों। तो सत्संग में आने से इस प्राणी को जो ये गलतियां करता है उसका आभास होता है कि सचमुच ये बहुत भयंकर भूल बनी हमारे से, और आगे वो चेष्टा करना प्रारंभ कर देता है कि हे भगवान आगे गलती करूँगा नहीं। लेकिन जब तक परमात्मा का सहारा आपको नहीं मिलेगा तो आप गलतियां करने से रह भी नहीं सकते। कारण क्या है? जैसे हमारी परंपराएं इतनी खराब बन गई हैं, कोई लड़की का विवाह करना चाहता है, हमारा सिर घूम गया लड़के वाले का, वो सोचता है कि लड़की वाले को लूट लूं और बहुत ज़्यादा धन लूं, अच्छा कोई बढ़िया लोग दिखावा, जो भी कोई अच्छा दहेज प्राप्त करूं। अब कन्या तो उसके भी है, जिसका लड़का है उसके लड़की भी होगी एकाद को छोड़कर, तो उस समय वो भूल जाता है कि कन्या तेरे घर भी है और आपने भी इसका विवाह करना है। यदि उस सामने वाले की तेरे जैसी नियत होगी तो कैसे विवाह कर पाओगे इस बेटी का? तो इस प्रकार हम ये परंपराएं हम इतनी बना खराब कर चुके हैं, अब हमारे बस से बाहर होगी, एक रूटीन बन गया। तो भगत ने सबसे पहले इन कुरीतियों से उल्टा हटना पड़ेगा, आपने बैक आना पड़ेगा। समाज को देखकर आप नहीं जी सकते और ना आप भक्ति कर सकते, और इस अनमोल कार्य से आप वंचित रह जाओगे। आप जी ने विवाह करना है बिल्कुल सिंपल वेत साधारण, एक उदाहरण बनाओ समाज के अंदर, संसार के अंदर। देखो ये परंपराएं हमने बनाई हैं और हम इसको फिर रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, सारा संसार सुखी होगा। अब यहां विवाह करते हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं। पहले दिन लड़के वाले खूब नाच रहे हैं, माच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, धरती तोल रखी है। अगले दिन वो दूल्हा साथ में उसके 5-7 साथियों समेत दुर्घटना के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बारात जा रही थी, अब पहले दिन तो डीजे बज रहे हैं, सब नाच रहे हैं कंजरों की तरह, बहन भी, बेटियां भी, माँ भी, बाप भी, सरेआम। अगले दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता जिसके ऊपर वो नाच और माच रहे थे। अब टक्कर मार करो रहे हैं, अब चाट ले उस डीजे ने, सिर पर धर ले उस दहेज ने। तो पुणात्माओं, ज्ञान बिना दुखी हो रहे हम, और ज्ञान परमात्मा बिना हमें कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम गलत लोक में रह रहे हैं। ये लोक बहुत गंदा है, या कोई भी दूसरे को सुखी देखकर प्रसन्न नहीं।
और ये काल की प्रेरणा से है। जब हम भगवान की शरण में आएंगे हमें सद्बुद्धि मिलेगी और तब हम भगवान से डरेंगे। जैसे हम हिंदू समाज में उत्पन्न हुए और जिन भगवानों की हम पूजा करते हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को हम, श्री विष्णु और शिव जी की तो हम पूजा करते ही थे, ब्रह्मा जी को वैसे ही नकलियों ने रिजेक्ट कर रखा था उनकी अपनी सोच से। फिर भी जब आप सृष्टि रचना पढ़ते हो, परमात्मा कबीर जी की बताई हुई जो दास ने आपको वर्णन करके सुनाई है, उसके अंदर आप देखते हो कि जब दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों का विवाह किया, उस समय ना कोई बराती था, ना कोई बाती था, और ना कोई वहाँ पर लड्डू जलेबी बकवाद कर रखी थी। सिंपल वे से कह दिया, बेटा या तेरी पत्नी, इसका नाम ब्रह्मा जी को कहा कि ये तेरी पत्नी, इसका नाम सावित्री है, आप जाइए अपना घर बसाइए। विष्णु जी से कहा कि ये तेरी पत्नी, इसका नाम लक्ष्मी है, जाओ बेटा अपना घर बसाओ। और तीसरे से कहा कि इसका नाम उमा है, और जा शंकर बेटा अपना घर बसाओ। उससे हम इतना सारा संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ। तो पुण्यात्माओं, ये बाद में तो शिव जी की बरात और भूत और प्रेत ये कोरी बकवास दिखाई जाती है। तो हमने अपनी बेटी को पराई करना है, वचन से होता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रंजुक्ता मेहर है। रंजुक्ता जी आप कहाँ से हैं? मैं झारसुगुड़ा जिले उड़ीसा स्टेट से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 25 जनवरी 2013 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं सारे देवी देवताओं की पूजा करती थी, जैसे ओडिशा में करते हैं सारे तीर्थ व्रत जो भी है साधना, सारी साधना करती थी और व्रत भी रखती थी हमेशा। कभी सोमवार का व्रत रखती थी, कभी मंगलवार का, कभी शुक्रवार का। हमेशा व्रत में ज़्यादा विश्वास रखती थी और भूखा रहने से शायद परमात्मा मिल जाए, यही सोच रख के सारी साधनाएं करती थी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? संत कारण तो हाँ बना कि हम देवी देवता पूजा जो करते थे उसमें कोई ऐसा कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं इन देवी देवताओं को क्यों पूज रही हूँ। पूजते माँ बाप भी जब माता पिता गुजर गए, तब मुझे लगा कि नहीं, यहाँ परमात्मा नहीं है। इतने मेरी माता जी जो थी वो भी बहुत श्रद्धालु थी, मुझे सुबह 5 बजे उठा के जाओ बेलपत्र ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ करके मुझे हमेशा, वो खुद श्रद्धालु थी, मुझे भी हमेशा उसी लाइन में ले जाती थी। मगर अचानक से उसकी मृत्यु हो गई, बीमार ग्रस्त रहते रहते पापा जी का भी मृत्यु हो गई, वो दोनों एक साथ चले गए। तब मुझे लगा कि नहीं, यहाँ ये सही भक्ति नहीं है, यहाँ परमात्मा नहीं है। जब मैं इतनी छोटी हूँ और मेरे को मेरे माँ बाप मेरे से दूर हो गए, अब मैं किसके सहारे रहूँगी बोल के मैं खोजने लग गई कि क्या है। और जहाँ मेरे को ऑफिस में मेरे को जहाँ काम लग गया था, मैं वहाँ अपने दोस्त से डिस्कस करती थी कि क्या है, कि इतना दुख क्यों है, ज़िंदगी में इतना दुख क्यों है, हमेशा जब देखो दुखी दुख मिल रहा है और तुम कुछ जानती हो क्या। तो मेरी जो ऑफिस कॉलीग है वो टीवी में हमेशा खोजती रहती थी कि कौन सी साधना करने से हमें सुख प्राप्ति होगा और जो हम खोज रहे हैं, जो मानव जीवन मिला है उसका क्या क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके लिए वो खोज रही थी। उससे हम डिस्कस भी करते थे और वो 2012 में नाम ले चुकी थी। उसने फिर मुझे रोज़ का रोज़ गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज के बारे में उनके ज्ञान चर्चा में मुझे रोज़ बताती थी। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई, वो मुझे एक किताब भी दी, क्रिएशन ऑफ नेचर, सृष्टि रचना, उसके बारे में मैंने पढ़ा और फिर मुझे पता चला कि हाँ यही सही विधि है, सही साधना है, यहाँ मुझे सही रास्ता मिलेगा। तब मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ जी, मुझे बहुत लाभ मिले, इतने लाभ मिले हैं कि मैं गिनवा नहीं सकती हूँ। कुछ कुछ लाभ मैं आपको बताना चाहती हूँ।
पहला तो है आध्यात्मिक लाभ, ये जो मानव शरीर मिला है किस उद्देश्य से मिला है उसके बारे में गुरुजी ने बताया है, और सारे वेद पुराण गीता सब खोल खोल के गुरुजी ने प्रूफ दिखाया है कि यही सच्चे परमपिता हैं, सच्चे परमात्मा हैं। वेद पुराण सब में प्रमाण दिखाते हैं कि कबीर साहेब भगवान हैं, और यही सच्ची भक्ति है, सच्ची रास्ता है। दूसरा है शारीरिक लाभ। शारीरिक में मैं बहुत बीमार रहती थी, हमेशा बीमार ही रहती थी। हर दो दिन के बाद मुझे बीमार अटैक हो जाता था और मैं हमेशा डॉक्टरों के पास जाती रहती थी। मम्मी पापा ना रहते हुए मेरे भाई बहन भी मुझसे मतलब फेडअप हो गए थे कि ये कितना बीमार पड़ती है, इसको जल्दी शादी करके इसका इससे छुटकारा मिल जाए तो बहुत सही रहेगा। उन्होंने ऐसे सोच के मुझे शादी भी करवा दिया। फिर भी मैं हमेशा बीमार पड़ती थी। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मेरी वो बीमारी और वो सर दर्द कहाँ चला गया मुझे पता नहीं चला। बस वो जो गुरुजी मंत्र देते हैं उस मंत्र का उच्चारण करते करते मेरी सारी बीमारी, सारी शारीरिक कष्ट दूर होते गए। और आर्थिक लाभ भी मुझे हुए। आर्थिक लाभ इस तरह हुए कि मैं गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में एम्प्लॉई हूँ एज ए सब डिविजनल सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। आज ये पोस्ट मुझे परमात्मा की देन से ही मिली है, संत रामपाल जी महाराज के देन से ही मिली है। मैं एक छोटा सा जॉब ही करती थी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में, और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने 11 साल में प्रोमोशन करवा दिया, और 6 साल कॉन्ट्रेक्चुअल के बाद 5 साल रेगुलर में मुझे प्रोमोशन करवा दिया। ये गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है। वो हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, तेरा प्रोमोशन कैसे करवाया तुम, अपने घूस वगैरह दे के प्रोमोशन करवा दिया क्या? तो मैं बोलती थी कि ये मेरे संत रामपाल जी महाराज के दया से हुई है। आप लोग नहीं समझ पाओगे, आप लोग कभी गूगल में सर्च मार के देखिए www.jagadgururampaljima.org में, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सी साधना करती हूँ और मैं किसके शरण में हूँ और किनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। आर्थिक में मैं और भी लाभ बताना चाहती हूँ। मैं एक भाड़े के घर में रहती थी, आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा प्लॉट होके मेरा घर बन के सब कुछ संत रामपाल जी महाराज ऐसे करवा दे रहे हैं कि जैसे मतलब मुझे लग रहा है कोई अपने आप ही हो रहा है सारा चीज़, सारी सुख सुविधाएं अपने आप होते जा रहे हैं। इतने सुख मिल रहे हैं कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। आप जितना भी पूछिए मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती। मुझे जो समस्या रहती थी हमेशा संत रामपाल जी महाराज हमेशा आके प्रकट होके, वो खुद प्रकट होके मेरी सारी समस्याएं दूर होती थी। जैसे मेरी बच्ची का पैदा होने का वक्त था, डिलीवरी का वक्त था, तो वो बच्चा का सर पूरा ऊपर घूम गया था और डॉक्टर बोले कि या तो माँ बचेगी या बच्चा। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन करवाए और वहाँ संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया कि परमात्मा ऐसा ऐसा स्थिति है, तो संत रामपाल जी महाराज बोले कि आप ऑपरेशन करवाओ, कुछ नहीं होगा। और वही ऑपरेशन टेबल में संत रामपाल जी महाराज खुद प्रकट होके वहाँ पे मेरे बच्चे और मेरी दोनों की जान बचाई। डॉक्टरों ने साफ साफ बोल दिया था कि या तो माँ बचेगा या बच्चा बचेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के दया से हम दोनों जीवित सही सलामत निकल गए उस वहाँ से, और मेरा बच्चा आज बहुत स्वस्थ है। और आप उसे देख सकते हैं, वो 3 साल से नाम दीक्षा ली हुई है और वो भी उनके शरण में है। रंजुक्ता जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको वेदों से, कुरान से, पुराण से सब में दिखा दिया कि कबीर साहब जी ही भगवान है। अगर कबीर साहब जी ही भगवान है तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये कौन है फिर? ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी भगवान ही है, लेकिन ये अपने लेवल तक भगवान है। जैसे हम एक राज्य में देखते हैं मंत्री हैं, फिर मुख्यमंत्री हैं, फिर प्रधानमंत्री हैं, उनके अलग अलग लेवल हैं कि कौन से स्तर में किसका पावर कितना है। वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश के भी उनका लेवल अलग है, लेकिन सारी सृष्टि के जो मालिक हैं वो कबीर परमात्मा हैं, उनके अलावा और कोई भी नहीं है। जो हम बोलते हैं गॉड इज़ वन, ये ही है, गॉड इज़ वन, कबीर इज़ गॉड, कबीर इज़ द ओनली सुप्रीम गॉड। रंजुक्ता जी, आप एक अधिकारी हैं और आपने इतनी दूर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं वह अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, क्या ये बात सही है?
नहीं, ये पूरा गलत है। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं कोई अंधविश्वास से नहीं जुड़ी हूँ। मैंने विथ प्रूफ, मैंने सारे बुक्स को पढ़ा, सारे वेदों कुरान सबसे मेल किया। गुरु संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग आते हैं, वो सत्संग देखते समय मैं खुद गीता को खोल खोल के उनसे मेल करवाई। जो जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं अपने सत्संगों में, वही एग्जैक्ट है जो हमारे गीता में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे जो उड़ीसा के वासी हैं, वो बुक पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो हम उनको क्या समझाएं, कैसे बताएं कि ये संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा के रूप में आए हैं, एक भगवान की तरह आए हैं। रंजुक्ता जी, उड़ीसा में देवी देवताओं की और श्री भगवान जगन्नाथ की पूजा बहुत ज्यादा की जाती है, क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं? नहीं, ये बहुत ही गलत धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता छुड़वाते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं, वो उन्हीं देवी देवताओं के ही देते हैं, जैसे कोड वर्ड देते हैं। जैसे हम एक कुत्ते को या भैंसे को बुलाएंगे, उसको उसकी आवाज़ से आ जाओ कुत्ता बोलने से नहीं बोलेंगे, उसका कुछ टोन होता है, अगर हम उस टोन में बुलाएंगे तो वो आपकी तरफ ही पलट के देखेगा। उसी तरह संत रामपाल जी महाराज हमको वो देवी देवता के कोड वर्ड्स बताते हैं, जिससे डायरेक्टली हम कांटेक्ट में आ जाते हैं। हम उन मंत्र उच्चारण करके हम उन देवी देवताओं को कुछ ना भी मांगें तो वो खुद ब खुद हमें उस हमारे फल देने के लिए वो आकर्षित होते हैं, वो हमारे तरफ आकर्षित होकर हमें आशीर्वाद देने में मजबूर हो जाते हैं। रंजुक्ता जी, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके उड़ीसा वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो मुझे आज देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, मेरे परिवार वालों से, ओडिशा वासियों से सबसे निवेदन है कि प्लीज़ एक बार सत्संग देखिए, एक बार किताब पढ़िए संत रामपाल जी महाराज का। आजकल हर चैनल में गुरुजी के सत्संग आ रहे हैं, यूट्यूब में, गूगल में, सब में आप सर्च मार सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज भी आप लिख देंगे तो उनके सत्संग आ जाते हैं। आजकल हर कोई एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करता है, आप अपने मोबाइल से अभी भी टाइप करके देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान क्या है, उनके सत्संग कैसे आते हैं। आप उन्हें सुनिए, एक बार सुनिए, दो बार सुनिए, कुछ तो सुनिए, अगर सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। और आप किताब मंगाइए, किताब सारी भाषाओं में आ रही है, आप ओडिशा में रहते हैं, ओडिया जानते हैं, ओडिया भाषा में आती है ज्ञान गंगा किताब, उसको आप मंगाइए, पढ़िए। ज्ञान अगर सही है तो आप ज़रूर आएंगे, ज्ञान सही ही है, अगर सही नहीं है, सही ही है, सही ज्ञान है, तभी हम आए हैं। हम मतलब किसी के मतलब भेड़ भैंसों के जैसे उसके पीछे नहीं आए हैं, हम विथ प्रूफ देख के आए हैं। द ट्रू वे ऑफ वर्शिप इज दिस इज द वन एंड ओनली इन अंडर द इनिशिएशन ऑफ संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? आजकल सारे टीवी चैनलों में सत्संग आ रहे हैं, सारे सत्संगों में एक येल्लो स्ट्रिप चलती है, या जिसको पीली पट्टी कह सको, वो चलती रहती है सत्संग के दौरान। आप उन नंबरों में कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज की दया से हर एक ज़िले, हर एक स्टेट में नामदान केंद्र है। आपको इतनी दूर हरियाणा जाना नहीं पड़ेगा, आप वहीं से अपने घर के नज़दीक से ही नामदान केंद्र से आप नाम दीक्षा ले के अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद जी, सत साहिब। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें